आज वो बात करेंगे ड्यूज फायर सेमी वालों का ड्यूज फायर ट्रैक्टर 55 के बारे में, जो 50 HP में आता है। काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है, इसके बारे में बात करेंगे। नई टेक्नोलॉजी है, काफ़ी यूज करोड़ा जमींदार का ट्रैक्टर है वो। इसके बारे में कुछ देखेंगे, इसमें कैसे क्या सिस्टम है। तो ये ड्यूज फायर ट्रैक्टर भाई, फ्रंट में पावर स्टेयरिंग है, एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है इसका। एक बार देख लें, इसका एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, फ्रंट एक्सल फिक्स है इसका। फ्रंट एक्सल सामने बम्पर हो गया है, हैवी बम्पर बनवा रखे है, ठीक। कंपनी कोई बम्पर वगैरह नहीं देती साथ में। सामने वाले टायर 6 के टायर हैं इसके, सामने वाले। नीचे फिल्टर दे रखे हैं अलग से, इसकी शो खुलती है, इसकी जो शो होती है वो अलग से ही खुलती है। इसका जो इंजन है वो 3000 CC का इंजन है, 3 सिलेंडर का, 3000 CC का इंजन इसके अंदर दे रखा है। पतले टायर 16 नोट है इसके, इसके पतले टायर हैं, बढ़िया टायर हैं। ट्रैक्टर में कोई लीकेज वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल साइलेंट ट्रैक्टर है। इंजन के RPM 2200 RPM तक ये बना देता है। ब्रेक के बात करें तो ये ब्रेक लॉक है, और इसके ब्रेक ऑयल वाले ब्रेक इसके अंदर दिए हुए हैं, पावरफुल ब्रेक हैं इसके अंदर ऑयल वाले। तो ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है ट्रैक्टर का। तो लीकिंग वगैरह कुछ ज़्यादा ट्रैक्टर के अंदर नहीं है, कंडीशन के हिसाब से कम 8 या 9 साल के आसपास ये पुराना ट्रैक्टर है। ये मीटर की बात करें तो बिल्कुल अच्छा डिजिटल जो है, अलग से मीटर दिया हुआ है इसके अंदर। और ये साइड गियर में आता है, 12 फॉरवर्ड के और 3 रिवर्स के गियर्स के साथ ये आता है। हाई लो मीडियम इसके अंदर दिया हुआ है। क्लिच भी काफ़ी अच्छी है, ड्यूल क्लिच में ही है, स्मूथ क्लिच इसकी दी हुई है। PTO भी इसके अंदर काफ़ी बढ़िया है, 540 RPM तक इसकी PTO बना देती है। इस साइड में मडगार्ड है, जो काफ़ी स्पेस है, मडगार्ड के ऊपर आसानी से बैठ सकते हैं। और जो शो होती है बोनट है, इसका अलग ही डिज़ाइन दिया हुआ है, किसी भी ट्रैक्टर में ऐसा डिज़ाइन नहीं है। और ये साइड में लगवा रखा है लेज़र लेवलिंग के लिए इन्होंने। और ये साइड में साइड गियर आप देख सकते हैं, PTO गियर है शायद, ये कंफर्म नहीं है। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी शायद, इसकी कैपेसिटी 1800 KG के आसपास है शायद इसकी लिफ्ट कैपेसिटी। इसका टैंक की बात करें तो 70 लीटर का इसका ऑयल वाला टैंक है। और ये हैंड रेस जो अलग से ही, अलग ही तरीके से जो हैंड रेस इसकी दी हुई है। नीचे ये PTO लीवर हो गया, हैंड ब्रेक हो गया, PTO लीवर नहीं है। तो इंजन में देख ले सकते हैं आपका कोई भी लीकेज वगैरह नहीं है। साइलेंसर के ऊपर भी एक अलग सी जाली लगाई है, जिससे आज हाथ न लगाए, जिससे कोई दुर्घटना न हो। तो कुल मिलाकर ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है। और मार्केट डाउन है इस ट्रैक्टर की, इस कंपनी की, लेकिन बात करें तो काफ़ी, कुल मिलाकर काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है। और लिफ्ट कैपेसिटी मैंने आपको गलत बता दी, 3000 KG के आसपास इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।